वी नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू आवर वुमेन आउट देयर. हमारी स्किन केयर की जहाँ बात आती है और हमारी स्किन केयर की ट्रीटमेंट्स हैं, आपको यू नो कौन सी ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमारी एक रिपोर्ट मौजूद है अंबर कुरैशी की, जो कि ब्रिटिश एस्थेटिक के वहाँ मौजूद हैं. तो आइए चल के देखते हैं. Hello everyone, assalamu alaikum. This is your host Amber Qureshi and right now I am at British Aesthetics. और यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं अपनी और आपकी स्किन के हवाले से जो क्यूरीज हमारे जहनों में होती हैं, उनके आंसर्स तलाश करूँ और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करें कि किस तरह वी कुड हैव अ पिक्चर परफेक्ट स्किन बट विदाउट डैमेजिंग इट. तो इन तमाम चीज़ों के आंसर्स लेने के लिए आप आइए मेरे साथ. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? I'm good. So, procedure is going on? Oh, yes. Definitely. All right. Kaun sa procedure chal raha hai? Basically, the patient came and the patient wanted, she's getting married actually. All right. Yeah, so she wanted a new glowy skin with that. Wow. So, we are doing the Pico. That is for the rejuvenation. Okay. For the glowing skin and in order to remove the dead layer of the patient. Kis age ko PRP ke liye jana chahiye? Kin kin problems ke saath hum PRP ke liye ja sakte? That's a lot of questions actually. So going from the beginning, basically that is a platelet rich प्लाज्मा प्रोसीजर जो कि हम पेशेंट के ब्लड लेते हैं उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करते हैं. बिल्कुल. अब उसका क्या फायदा है, क्या उसके नुकसान हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक जो भी अच्छा एस्थेटिशियन होगा या कॉस्मेटोलॉजिस्ट होगा वो सबसे पहले आके स्किन को असेस करेगा. ठीक है. ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन. ठीक है. वेदर द पेशेंट हैज एक्ने और नॉट, एज फैक्टर मैटर्स अ लॉट. Until and unless you don't have a good lifestyle, that you can't, is really important. You really cannot maintain so, that thing. So, जितने procedures आप करवा लें, सबसे important चीज़ ये है कि आपकी diet जो है वो बहुत healthy होनी चाहिए, lifestyle अच्छा होना चाहिए, फिर ही वो आपकी skin को impact करेंगे. तो ये तो हमें पहला सबक मिल गया आज का. दूसरी important चीज़ जो हम usually देख रहे होते हैं वो ये होती है कि बहुत से लोग जा रहे हैं आजकल hydration की तरफ. Oh, definitely. They don't know what their skin type is. तो क्या हर skin type का बंदा hydration करवा सकता है? That's a very, very debatable question, I would say. First, the patient, when they're gonna come, you're gonna assess the thing. All whether right. the patient's skin is dehydrated, pani pee raha hai, nahi pee raha, har cheez kar raha hai, uske mutabik, we're gonna use the serums right. in that hydrofacial in order to give it. ठीक है. That so, is the most important ये thing. बहुत important चीज़ है कि हर जगह से आप hydrofacial नहीं करवा सकते, आपको करवाना भी नहीं चाहिए. So, ऐसे लोग भी आते हैं जो कि जिनको आपको फिर काउंसिल करना पड़ता है कि नहीं, we could not have a picture perfect skin. Yes. But हाँ, इसको बेहतर कर सकते. In fact, I had a patient who was getting married and she was just like 24, 25. So she wanted to get the Botox and there is no harm in giving her it. So सबसे important चीज़ जो कि आज हमने इन तमाम तरह बातों से जज की है और जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर रेस किए थे कि क्या वी कैन हैव अ पिक्चर परफेक्ट स्किन या क्या हमारी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है, तो उन सबका एक ही जवाब है, अ गुड कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो कि आपकी स्किन को समझ सके. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अ गुड लाइफस्टाइल, अ हेल्दी डाइट और बहुत सारा पानी, और फिर ही आप मेंटेन कर सकेंगे उन चीज़ों को जो कि आपको अल्लाह ताला ने दी है. सो वी शुड बी वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल फॉर द स्किन वी हैव, फॉर द कलर वी हैव, और उसी को इन्हांस करने के लिए हमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, बल्कि ये सोच के नहीं आना चाहिए कि बिल्कुल चेंज हो जाएंगे. तो ये तो थी आज की हमारी तमाम तरह क्यूरीज के जवाब जो कि हमने सोचे थे कि हम लेंगे. कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ाहरा हमारे साथ मौजूद थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आपने हमें तमाम चीज़ों के बहुत सारे आसानी से माय प्लेजर जवाब दिए. आई एम श्योर कि हम बहुत सारी क्यूरीज जो लेकर आए थे वो तमाम का जवाब आप लोगों को भी मिल गए होंगे. और इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान. थैंक यू अंबर. क्या बात है. और अंबर खुद इतनी माशाल्लाह फ्रेश लग रही थी ना, और yes. साथ में जब वो रिपोर्ट भी बना रही थी और मैं यही सोच रही थी कि अंबर ने भी प्रोसीजर करवाया होगा, मैं भी जाऊंगी. और अपनी स्किन बहुत यू नो स्किन केयर है भाई, इज वेरी एसेंशियल. पहली चीज आती है, हम मेकअप और बाकी चीजों को कहते हैं ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, बट आई थिंक जब आपकी स्किन अच्छी है आपका मेकअप भी अच्छा लगता है, आप वैसे भी यू नो लाइक यू ग्लो विद इन, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट.